विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ग्राम बिडवाल में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ पावन प्रज्ञा पुराण कथा के तृतीय दिवस में पावन प्रज्ञा पुराण कथा में परिवार निर्माण के बारे में शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि रामलाल पटेल ने कहा कि परिवार एक लघु राष्ट्र है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना की जाती है। जिस परिवार में माता पिता की सेवा करने वाले बेटा बेटी पति पत्नी प्यार हो, बेटे आज्ञाकारी हो, जहाँ पर श्रमशीलता, सुव्यवस्था, सहकारिता, मित्रता और शालीनता होती है, वहाँ परिवार धरती का स्वर्ग है। और उन्होंने कहा कि देश, धर्म और संस्कृति के लिए हमें अपने परिवार के निर्माण है तो बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार डालने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सायंकालीन प्रज्ञा पुराण में संगीत कालू सिंह जी सोलंकी, रेवाराम पाटीदार और चेतन पाटीदार ने दिया। प्रातःकालीन यज्ञ में पुंसवन, मुंडन, विद्यारंभ संस्कार किए गए और गुरु दीक्षा संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न किए गए। गुरु दीक्षा संस्कार में संदेश दिया कि मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना मनुष्य को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए जीवन में सद्गुरु का होना आवश्यक है। सद्गुरु के रूप में आज हमारे बीच युग ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, जिन्होंने चार वेदों का भाष्य किया है। जो गुरु ज्ञानी, तपस्वी और गुरुदानी है, उन्हें ही गुरु बनाना चाहिए। बाद गायत्री परिवार के उपजोन इंदौर के प्रभारी यादव जी और श्री कृष्ण शर्मा जी ने आशीर्वाद संदेश दिया। दोपहर 4 बजे कार्यकर्ताओं की विशेष गोष्ठी रखी गई, उसमें आगामी चलने वाली गतिविधियों के बारे में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें समूह साधना, दीप यज्ञ आदि संपन्न करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। बिडवाल से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट।